देश की राजधानी दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में उम्मीदों का कारवां एवं शंखनाद यात्रा 19 दिसंबर को आयोजित किया जाना है। इस कार्यक्रम की सफलता को लेकर चित्रगुप्त सेवा संघ द्वारा जिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में ग्लोबल कायस्थ कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन ने कायस्थों को आह्वान किया कि अब समय आ गया है कि कायस्थों को अपना अधिकार लड़कर लेना होगा, अन्यथा वो राजनीतिक रूप से हाशिए पर चले जाएंगे। इस अवसर पर उन्होंने कायस्थों की एकता पर बल दिया और कहा कि आजादी की लड़ाई में कायस्थों का उल्लेखनीय योगदान रहा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री का योगदान आजादी की लड़ाई में किसी से भी कम नहीं रहा। कार्यक्रम का प्रारंभ भगवान चित्रगुप्त जी की आरती और वंदना से हुआ। तत्पश्चात राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई गई और सभी लोगों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके पश्चात मुख्य अतिथियों को माला पहनाकर, बुके देकर और अंगवस्त्र देकर उनका स्वागत किया गया। इस अवसर पर जीकेसी के जिलाध्यक्ष विंदु भूषण प्रसाद, मुख्य अतिथि के अलावा जीकेसी के प्रबंध न्यासी रागनी रंजन, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर नम्रता आनंद, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दीपक अभिषेक, आईटी अध्यक्ष आशुतोष ब्रजेश, प्रदेश सचिव आयुष सिन्हा, संगठन मंत्री बलिराम जी, प्रदेश उपाध्यक्ष दिवाकर वर्मा, राष्ट्रीय सचिव विद्याभूषण ने भी सम्मेलन को संबोधित किया। इसके अलावा स्थानीय वक्ता चित्रगुप्त संघ के महामंत्री रमेश कुमार सिन्हा, सुबोध अंबर, राखी वर्मा, संजय कुमार सिन्हा और रितेश कुमार ने भी सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर कोरोना वॉरियर सम्मान से जहानाबाद के अंचलाधिकारी संजय कुमार अम्बष्ट, थानाध्यक्ष रवि भूषण, डॉक्टर शीलभद्र सिन्हा, डॉक्टर मेघाकृति, अंजनी कुमार, राखी वर्मा सहित कई लोगों को सम्मानित किया गया। साथ ही स्वर्णकृति एवं चित्रगुप्त परिवार के बच्चों ने आकर्षक कार्यक्रम की प्रस्तुति भी दी। सम्मेलन में आदर्श मध्य विद्यालय ऊंटा के गरीब बच्चों को पठन पाठन सामग्री भी वितरित की गई। इसके बाद धन्यवाद ज्ञापन अंजनी कुमार सिन्हा ने किया। जहानाबाद न्यूज के लिए वीरभद्र सिन्हा उर्फ गप्पू की रिपोर्ट। ग्लोबल कास्ट कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन प्रसाद आए हुए थे। वो पूरे बिहार के भ्रमण पर हैं, क्योंकि ग्लोबल कास्ट कॉन्फ्रेंस का राष्ट्रीय अंतर अधिवेशन दिल्ली तालकटोरा स्टेडियम में 19 दिसंबर को होना है। उसी के लिए हर एक जिला में इनका दौरा है और हर एक जिला में कास्टों को एकत्रित कर वहाँ आने का निमंत्रण दे रहे हैं। इसी कड़ी में जहानाबाद में भी वो आए और यहाँ के चित्रांशों को संबोधन किया और उन्होंने आह्वान किया कि आप लोग सभी तालकटोरा स्टेडियम में चले। और इसी आज बहुत सौभाग्य की बात है हमारे लिए कि आज हमारे महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिन भी था, उनको भी माल्यार्पण यहाँ किया गया, उनको नमन किया गया और यही नमन पर हम चित्रांशों को आह्वान किए हम लोग कि आप लोग हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमने उन्हें चले दिल्ली, हमने उन्हें आश्वासन दिया है जहानाबाद से कम से कम 200 चित्रांश दिल्ली के लिए कुछ करेंगे और हम लोग पूर्ण रूप से उत्साहित हैं और आपके इस कार्यक्रम में हम लोग साथ हैं।